तो दोस्तों आज का जो कंटेंट है ये टेक रिलेटेड नहीं है, किचन अप्लायंस रिलेटेड है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखे थे गैस स्टोव, जो कुकिंग के साथ साथ आपके किचन रूम को एक स्टाइलिश एंड प्रीमियम लुक में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मैं हूं संतोष कुमार, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आपका जो सपोर्ट, आपका जो प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब इस के कंटेंट को पोस्ट करता रहूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं। अब इस बॉक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है। पहले टॉप व्यू पे देखते हैं तो यहाँ पे आप इसका ब्रांड नेम देख सकते हैं, प्रेस्टीज लिखा गया है। इसका मॉडल नेम है मैजिक, इसका प्रोडक्ट कोड है 400088 और यहाँ पे बॉक्स के कंटेंट्स भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसका MRP देख पा रहे हैं। लेकिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट में 3485 रुपीज़ में परचेज किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं और यहाँ पे कस्टमर केयर के कुछ डिटेल्स दिया गया है और यहाँ पे कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर दिया गया है और यहाँ पे आप इस कंपनी का वेबसाइट देख सकते हैं और यहाँ पे इस ब्रांड के कुछ दूसरे किचन अप्लायंसेस को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस बॉक्स के फ्रंट साइड पर भी देखते हैं। अब इस बॉक्स के फ्रंट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे आप इस गैस स्टोव का तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ पे ISMR को भी आप देख पा रहे हैं और इस गैस स्टोव का मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है GTMC02 और यहाँ पे इसके कुछ खास फीचर्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्पिल प्रूफ डिजाइन, एर्गोनॉमिक नॉब डिजाइन, टॉप फ्रंट ब्लैक ग्लास टॉप और यहाँ पे ट्राइपिन बर्नर्स दिया गया है। अब इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पर भी देखते हैं। इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पर जो फीचर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है आप पहुंच करके यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इस बॉक्स के राइट साइड पर भी देखते हैं। अब इस बॉक्स पे के राइट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे आप इस गैस स्टोव का तस्वीर और यहाँ पे इसका ब्रांड नेम, मॉडल नेम देख सकते हैं। अब इसके बैक साइड पर भी देखते हैं। अब इस बॉक्स के बैक साइड पर भी आप देख पा रहे हैं, फ्रंट साइड जो चीज़ मेंशन किया गया था सेम वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है और बॉटम पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक सील दिया गया है और यहाँ पे टेप भी आप देख पा रहे हैं। तो इनको ब्रेक करके हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं बॉक्स के कंटेंट, एक गैस स्टोव और एक यूजर मैनुअल। अब इस यूजर मैनुअल के लास्ट पेज में देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो एक वारंटी कार्ड भी दिया गया है। ये जो गैस स्टोव है आपको 2 ईयर्स वारंटी के साथ आ रहा है। अब इस यूजर मैनुअल के फ्रंट पेज में आप देख सकते हो इस ब्रांड के दूसरे कुछ मॉडल के गैस स्टोव्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि 4 बर्नर्स का, 3 बर्नर्स का और 2 बर्नर्स का। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये 2 बर्नर्स का ब्लैक कलर का गैस स्टोव है। अब इसका डायमेंशन भी हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं, लेंथ इसका, विड्थ इसका, हाइट चेक करके देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ एक टेप, तो इस टेप के साथ हम पहले इसका लेंथ चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लेंथ है ये लगभग 60 सेंटीमीटर का है। अब इसका जो विड्थ है वो भी हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो विड्थ है ये लगभग 30 सेंटीमीटर का है। अब इसका जो हाइट है वो भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो हाइट है लगभग 8 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों बर्नर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको भी चेक करके देखते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लेंथ है लगभग 18 सेंटीमीटर है। इन दोनों बर्नर के बीच में अच्छा डिस्टेंस भी दिया गया है। तो ओवरऑल देखते हैं तो डायमेंशंस के हिसाब से ये कॉम्पैक्ट साइज है। अगर आप किसी भी किचन रूम या बेंच या टेबल के ऊपर रख रहे हो तो वहाँ पे ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इस गैस स्टोव के टॉप व्यू पे देखते हैं तो इन दोनों पैन सपोर्ट को देखते हैं तो ये दोनों भी मेटल के हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं। इसका थिकनेस भी आप देख सकते हो और ये दोनों भी पाउडर कोटेड है, जिससे कि एक रस्ट प्रूफ भी है, इजीली वॉशेबल भी है, लाइट वेट भी है। और यहाँ पे आप इसका हाइट भी देख सकते हैं, कुकिंग वेसल प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे प्रॉपर हाइट भी दिया गया है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब इन दोनों बर्नर्स को देखते हैं तो ये है लेफ्ट साइड का और ये है राइट साइड का। इन दोनों का साइज कंपेयर करते हैं तो ये बिग साइज है, ये स्मॉल साइज है और ये दोनों भी ब्रास से बने हुए हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं ये।
कुकिंग करते वक्त इन होल्स के अंदर फूड आइटम्स फंस जाते हैं, तो इनको क्लीनिंग करने की भी जरूरत होती है, जिससे कि आप गैस को कंज्यूम भी कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको प्रॉपर फ्लेम भी मिल पाएगा। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब इन दोनों रिंग वॉशर को भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों भी मेटल के हैं, अच्छे क्वालिटी के भी हैं और ये दोनों पाउडर कोटेड है, जिससे कि ये रस्ट प्रूफ भी है, इजीली वॉशेबल भी है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे आप इन दोनों बर्नर के चारों तरफ देख सकते हो स्टेनलेस स्टील बॉडी का सर्कुलर शेप का एक डिजाइन दिया गया है और बैलेंस जितना भी है ये ग्लास बॉडी है। यहाँ पे प्योर ग्लास है, टफ ग्लास है, ब्लैक कलर का स्मूथ फिनिश के साथ रेक्टेंगुलर शेप में। कॉर्नर पे स्लाइट कर्व डिजाइन दिया गया है, जिससे कि ये डिजाइन दिखने में भी स्टाइलिश है, सुंदर है। और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो सुपीरियर टफ एंड ग्लास लिखा गया है और यहाँ पे कुछ कॉशन नोट दिया गया है, आप चाहे तो उसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका ब्रांड नेम देख सकते हो, प्रेस्टीज लिखा गया है। और ये है इस ग्लास बॉडी का थिकनेस, ये था इसका टॉप व्यू। अब इसका फ्रंट व्यू भी देखते हैं। यहाँ पे आप दो नॉब्स देख पा रहे हैं, ये जो नॉब है इस बर्नर को ऑपरेट करने के लिए, ये नॉब इस बर्नर को ऑपरेट करने के लिए, ये दोनों भी मैनुअल इग्निशन है। इन नॉब के ऊपर आप देख सकते हो एक रेड कलर का मार्किंग भी किया गया है और यहाँ पे सिम ऑन ऑफ तीनों भी हाईलाइट किया गया है। तो इसको टर्न करके आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, गैस लाइटर और मैच बॉक्स के साथ यहाँ पे आप इन बर्नर्स को जला सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक मेटल का बॉडी दिया गया है और एक पाउडर कोटेड है, जिससे कि एक रस्ट प्रूफ भी है। ये था इसका फ्रंट व्यू। अब इसका जो लेफ्ट साइड है उसको भी देखते हैं। तो लेफ्ट साइड आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, ये भी मेटल का पाउडर कोटेड बॉडी है। अब इसका जो बैक साइड है उसको भी देखते हैं। तो इसका जो बैक साइड है वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। यहाँ पे एक लेबल दिया गया है, यहाँ पे ISA मार्क भी मेंशन किया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट सीरियल नंबर भी दिया गया है। ये भी एक मेटल बॉडी है पाउडर कोटेड का, जिसे कि एक रस्ट प्रूफ है। अब इसका जो राइट साइड है उसको भी देखते हैं। तो राइट साइड आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, यहाँ पे एक इनलेट नोजल देख पा रहे हैं, इसके ऊपर एक कैप है, इसको ओपन कर दीजिए और आपके सिलेंडर के साथ जो ट्यूब है उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ये गैस ट्यूब कनेक्टर यहाँ पे दिया गया है। और ये भी मेटल बॉडी है पाउडर कोटेड का। अब इसका जो इनसाइड है यानी कि बॉटम में भी देखते हैं। तो ये है इसका बॉटम यानी कि इनसाइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप कुछ ट्यूब यानी कि पाइप का मैकेनिज्म देख पा रहे हो इजी गैस फ्लो होने के लिए। और बॉटम पे देखिए चारों कॉर्नर पे अच्छा क्वालिटी का रबर का लेग्स भी दिया गया है। तो इसको हम फिर से रख लेते हैं ओरिजिनल पोजिशन पे। आप रेगुलरली इस ग्लास टॉप सरफेस के ऊपर ड्राई या वेट क्लॉथ के साथ साफ करते रहिए, जिससे कि ये नीट क्लीन एंड शाइनिंग भी दिखे। आप कभी भी किसी भी केमिकल सॉल्यूशन या स्क्रबर के साथ इसके ऊपर साफ न करें, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आएँ तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।